టైప్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పేపర్లో రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నారు అతను. Now in Hindi, Namaskar, आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट साइबर फ्रॉडस्टर का अरेस्ट हुआ. ये साइबर फ्रॉडस्टर जिसका नाम है मरेटी श्रीनिवास राव और जो हाउस लोन और जॉब्स के नाम पे इनोसेंट पब्लिक को चीट करके उनसे ओटीपी वन टाइम पासवर्ड उनके बैंक अकाउंट डिटेल को लेकर उनसे पैसा निकालता था. ये अभी अंबरपेट में रहता है लेकिन ये ओरिजिनली नेटिव ऑफ तुनी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है. इसके अरेस्ट होने के बाद टोटल 11,50,000 कैश 12 मोबाइल फोन 29 सिम कार्ड्स 1 लैपटॉप 1 बजाज पल्सर बाइक एटीएम कार्ड्स 3 न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स ये सब उससे बरामद हुआ. अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके ऊपर तेलंगाना स्टेट में 3 केसेस और आंध्र प्रदेश में 17 केसेस हैं जिसमें निजामाबाद कोत्तागुड़म मंगलगिरी विशाखापट्टनम कड़प्पा कर्नूल और इन सब जिलों में केसेस बुक हुआ है. ये जो क्रिमिनल है मरेटी श्रीनिवास राव ये 2013 में बीटेक डिग्री लेने के बाद 2016 में एक प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज ऑफ जेएनटीयू से एमटेक भी किया और उसके बाद ये जॉब नहीं मिलने के कारण फाइनेंशियली डिफिकल्टी में इसको इसकी जिंदगी आ गई. वहाँ से ये मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम पर शादी के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पब्लिक का चीटिंग शुरू किया और उसके ऊपर सबसे पहला केस जो रजिस्टर हुआ वो काकीनाडा टू टाउन पुलिस स्टेशन में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में ये बेल पर वापस आया. उसके बाद 2017 में ये हैदराबाद माइग्रेट हुआ और यहाँ से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर जॉब्स और वीज़ा के नाम पे पब्लिक को चीट करना शुरू किया. ये व्हाट्सएप फ़ोन कॉल के द्वारा और तरह तरह के ऐप्स के द्वारा पब्लिक को चीट करता था और उसे वन टाइम पासवर्ड निकाल करके उनको चीटिंग करता था. अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लगभग 150 पर्संस को इसने चीटिंग किया है और मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ का चीटिंग हुआ. ये कभी भी पर्सनली या व्यक्तिगत तौर पे किसी विक्टिम से नहीं मिलता था और केवल व्हाट्सएप कॉल से बात करके उनको चीट करता था. इस पूरे केस में इसको डिटेक्शन में हमारे टास्क फोर्स के तरफ से लगभग 600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को एनालाइज किया गया, नैनोसाइटम कैमरास के फुटेज को एनालाइज किया गया, सेलफोन एनालिसिस किया गया और इन सब टेक्निकल एनालिसिस से इसके बारे में पता चला चूंकि आज तक कोई भी विक्टिम इससे कभी कोई मुलाकात नहीं किया था. अरेस्ट के बाद इसको एसएचओ अंबरपेट को दिया जाएगा और ऐसे मौके पे आपके मार्फत से पब्लिक को एक अपील करते हैं कि ऑनलाइन बोनाफाइड जो ऐप्स है केवल उसी के तरफ से काम करें आप लोग और फोन पर कभी किसी को पिन नंबर ओटीएम नहीं देना चाहिए. वन टाइम पासवर्ड कभी कोई बैंक वाले नहीं मांगते हैं. न्यूज़पेपर एजेंसी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को देने के पहले एक बार देख लें कि क्या उसमें जेन्युइननेस है, वो आदमी जेन्युइन है या नहीं है. ये पूरे केस में हमारे टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार, के श्रीनिवास इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स, रमेश डीआई अंबरपेट, गोविंद स्वामी, पी रमेश, जी श्रीनिवास रेड्डी, सी वेंकटेश और ईस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स काफ़ी अच्छा काम किए और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं. ऐसे मौके पे सिम कार्ड डीलर को भी मैं एक कॉशन और एक वार्निंग भी देता हूं
कुछ लोग, कुछ सिम कार्ड डीलर प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने का कोशिश कर रहे हैं। ये कानूनन अपराध है और ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा और वो जेल भी जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच।